Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss circulation or transportation in human beings. Okay, NCERT का जो third point था human life processes में वो था circulation. Circulation का मतलब क्या होता है? कोई भी nutrients या कोई भी things हमारी body में किस process के through transport हो रही है from one place to other place. ठीक है, उस process को हम बोलते हैं circulation या फिर transportation. Means the process by which nutrient and other things move from one place to another is known as transportation. अब सिर्फ और सिर्फ human body में transportation तो होता नहीं है. ठीक है, transportation की जो process है वो plants के साथ साथ सारे animals में होती है. Lower animals, higher animals, lower plants, higher plants. तो अब अगर plant में देखें कि transportation की process क्या है, तो plant में जो vascular bundles होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम जिनको हम कंबाइंडली बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करते हैं. किसमें? प्लांट में. इसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ाया था, इससे काफी लिंक करके पढ़ना, बिकॉज ये एक लाइफ प्रोसेस है. और रेस्पिरेशन में जो फूड को हम ब्रेक करते थे, जो ग्लूकोज को ब्रेक करते थे, उसी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिंस, मिनरल्स, और ग्लूकोज के साथ साथ अदर फैट और अदर एसिड्स जो भी हैं, इन सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. तो अगर हम जब प्लांट की बात कर रहे थे, तो प्लांट में मेनली जो प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होता है? जाइलम और फ्लोएम के बारे में के हेल्प से. वाइल जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस एनिमल में है वो मेनली होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे. तो अगर लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है. जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होता है. ठीक है, अभी हम डिटेल में देखते हैं इस पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और जो मेनली ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अगर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो जो वैस्कुलर बंडल होता है, इसको कंबाइंडली हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, वो एक्चुअली बना होता है जाइलम और फ्लोएम से. तो जाइलम का जो फंक्शन होता है वो मेनली होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाइल जो फ्लोएम होता है उसका फंक्शन होता है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. मीन्स प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड को अलग अलग टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है ना, इसमें अगर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम करता है, वाइल जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाय विच मेथड या फिर बाय विच टिश्यू विन मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड, दैट विल बी जाइलम, एंड इफ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड मटेरियल्स द आंसर विल बी फ्लोएम. साथ ही साथ आपसे कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में. एक बार लोकेशन देख लो क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का. जैसे कि मान लो ये एक हमने किसी ब्रांच का कट किया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया. ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अगर ये पेन है और इसको मैं ऐसे और ऐसे कट कर दूं, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो सर्कुलर फॉर्म में ही आपको दिख रहा है ना ऐसे. तो इस फॉर्म का जो सर्कुलर फॉर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं. देखो, जो जाइलम की पोजीशन होती है वो सबसे मिडिल में होती है. ये जो पोजीशन है दैट इज ऑफ जाइलम, और इसमें किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर और मिनरल्स का. ठीक है, और जस्ट इसके सर्कल फॉर्म में जो दूसरा वैस्कुलर टिश्यू होता है दैट इज फ्लोएम. ठीक है, तो जो जाइलम की डायरेक्शन सॉरी जो जाइलम की लोकेशन होती है वो सेंटर ऑफ द टिश्यू ब्रांच होगी. ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ द प्लांट होगी, वाइल जो फ्लोएम होता है वो इनसर्कल किया होता है जाइलम टिश्यू को. तो इसके बाद हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या बेसिक डिफरेंस है, बिकॉज ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, और 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसके 4 या 5 डिफरेंसेस हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं या फिर आपको रिमाइंड रखना है. द फर्स्ट डिफरेंस इज जो जाइलम होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको फंक्शन ही बताया था, जो जाइलम का फंक्शन होता है वो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, और ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम टिश्यू. ठीक है, वाइल जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो
एक्चुअली जो फूड बनता है वो लीव्स में बनता है, रूट पे तो बनता नहीं है, और लीव्स से जो फूड होता है उसको रूट तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो जो फ्लोएम का होता है वो न्यूट्रिएंट्स को या फिर फूड को लीव्स से प्लांट के उन सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं या फिर जिनको फूड की नीड होती है, जो लिविंग होते हैं, ओके। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है मूवमेंट का। अब देखो, रूट से वाटर स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, पहले रूट, फिर रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, जो अदर ब्रांचेस होती हैं उसमें, और उन ब्रांचेस से लीव्स तक जाता है। तो जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। वाइल अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है, फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है वो एक्चुअली बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि वो दो साइड मूव होता है। एक तो अगर मान लो इस लीव में फूड बना, ठीक है ना, तो ये लीव से स्टेम को भी देगा, ऊपर नीचे दोनों साइड, साथ में रूट को भी देगा, ठीक है ना। तो एक तो ऊपर फूड जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हो जाती है, किसकी, फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट की, ठीक है। वाइल जो जाइलम के थ्रू मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गए। जो थर्ड डिफरेंस है वो मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, तभी आपको शो कर दिया था कि जो जाइलम होता है वो हमेशा वैस्कुलर सिस्टम के सेंटर में होता है, ठीक है ना। वाइल जो फ्लोएम होता है वो वैस्कुलर सिस्टम के जस्ट सेंटर के आउटसाइड होता है, ठीक है ना। अगर ये वैस्कुलर सिस्टम, अगर हम सिर्फ जाइलम और फ्लोएम की बात करें, तो ये आउटसाइड है वो फ्लोएम है, और जो इनसाइड है वो जाइलम है, ठीक है। ये थर्ड डिफरेंस हो गया लोकेशन के बेस पे। द फोर्थ डिफरेंस इज कि जो जाइलम के टिश्यूज होते हैं मेनली वो डेड होते हैं, ठीक है ना। जो जाइलम टिश्यू है वो एक्चुअली चार टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, और जो वो चारों टाइप के सेल्स होते हैं उसमें से थ्री टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। वाइल सिर्फ वन सेल इज लिविंग, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल। वाइल जो फ्लोएम होता है वो मेनली इसमें जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, सिर्फ एक जो सेल होता है वो डेड होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जाइलम की जो सेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स वो डेड सेल्स होती हैं, वाइल जो फ्लोएम की मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बट उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स वो डिवाइड नहीं करती है, डिवाइड दोनों ही नहीं करते। जाइलम इसलिए नहीं करता बिकॉज उसके अंदर डेड सेल है, फ्लोएम की जो सेल्स है वो लिविंग तो है बट उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वो भी डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो आपको याद रखना है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चार पॉइंट याद रखने हैं, एक तो पोजीशन कि जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर साइड होता है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा डायरेक्शन, जाइलम का जो डायरेक्शन मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम का क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। चौथा कि उसके टिश्यूज कैसे बने होते हैं, जो जाइलम टिश्यू होता है वो मोस्टली डेड सेल से बना होता है, वाइल जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो लिविंग सेल से बना होता है मोस्टली, और जो उनकी सेल्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म से फिल होती हैं और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और पॉइंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो एक दो और डेफिनेशंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन एंड सेकंड वन इज रूट प्रेशर, ठीक है। ये दोनों प्लांट के रिगार्डिंग है इसलिए मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। देखो, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन एक सिंपल सा पॉइंट है कि जहां पे फूड बनता है वहां से फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन हम वाटर के केस में क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वाटर कहीं पे फॉर्म नहीं होता प्लांट के अंदर, वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर की ट्रांसलोकेशन नहीं होती है। वाइल जो फूड होता है वो प्लांट खुद प्रिपेयर करता है और फिर वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में सेंड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जगह फूड बना, वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो डेफिनेशन देखोगे सिंपल सी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स थ्रू फ्लोएम वाया प्रोसेस सच एज मास फ्लो इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स एक जगह इकट्ठे फूड बना लीव में, ठीक है, लीव्स जो है उन्होंने आराम से फूड बनाया और फिर क्या किया, जिसको जिसको जिस जिस बच्चे को खाना चाहिए था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, या फिर दूसरी तरह से अगर हम बोले तो द बल्क फ्लो ऑफ मटीरियल थ्रू फ्लोएम्स, ठीक है, टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू एन ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर डिफरेंस। एक्चुअली ये फ्लो तभी होता है जब किसी जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो तभी होता है जब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करो तो आप खाना किसको दोगे, उसी को दोगे ना जिसको भूख लगेगी, ठीक है, तो उसके अंदर भूख लगेगी, उसकी बॉडी में जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो गया होता होगा तभी आप उसको फूड दोगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी देखो कि जब ऑस्मोटिकली एक प्रेशर क्रिएट होता है तभी मास मूवमेंट होता है फूड मटेरियल्स का थ्रू फ्लोएम, ठीक है। तो ये बात हो गई ट्रांसलोकेशन की। इसके बाद बात करते हैं रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर क्या होता है,
अब देखो, अब जो फूड था उसके बारे में तो हमने बात कर ली ट्रांसलोकेशन में, अब वाटर की बात कर लेते हैं। तो वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो रूट प्रेशर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल्स ऑफ द रूट सिस्टम दैट कॉज सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट स्टेम टू द लीव्स। मींस अगर प्लांट के या एक स्टेम है, इस स्टेम से लीव्स तक को जो सैप है, जो इसके अंदर लिक्विड है, या फिर आप बोल सकते हो जो वाटर है, उसको स्टेम से लीव तक जाने में जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, जिस प्रेशर के थ्रू स्टेम से वाटर लीव्स तक पहुंच जाए, ठीक है ना, या फिर जो सेल सैप है वो स्टेम से लीव्स तक पहुंच जाए, या फिर रूट से स्टेम तक पहुंचे और स्टेम से लीव्स तक पहुंचे, इस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके थ्रू जो वाटर है या फिर सेल सैप है, ठीक है, वो स्टेम से रूट तक पहुंच जाए, ठीक है, या फिर रूट से सॉरी स्टेम से लीव्स तक पहुंच जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर के इनिशियल ट्रांसपोर्ट में रूट प्रेशर हेल्प करता है। जैसे कि मान लो एक रोज का प्लांट है, ठीक है, तो रोज का प्लांट बहुत बड़ा नहीं होगा, एक मीडियम साइज का अगर हम प्लांट ले तो उसमें जो प्लांट को लीव्स तक जो वाटर पहुंचती है ना, वो रूट प्रेशर की वजह से ही पहुंचती है। जो लीव्स होती हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, या फिर जो पूरा सिस्टम है उसका, जाइलम सिस्टम, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्लांट के बारे में। दो चीज़ याद रखनी थी, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है ये याद रखना था। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ये मास मूवमेंट होता है फूड का, ठीक है। रूट प्रेशर क्या होता है, तो ये एक प्रेशर डेवलप होता है जब सेल सैप को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में राइज करना होता है, या फिर प्लांट को प्लांट के स्टेम से लीव्स तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो ये चार पांच कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको मेनली प्लांट से रिलेटेड याद रखने थे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है ना। इसके बाद जो एनिमल से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम में है उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।